सब्सक्राइब कीजिए एग्री बॉय अमित शर्मा के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कृषि से संबंधित जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। मैं अमित शर्मा सिग्नेट सीड्स कंपनी की तरफ से भारत के आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं सिग्नेट सीड्स कंपनी के शो किसानों का हम सफ़र में। और आज हम मौजूद हैं सिग्नेट सीड्स कंपनी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर चीमा किसान सेवा सेंटर, जिनकी जो दुकान है वो है पायल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में है। और हमारे साथ मौजूद हैं सिग्नेट सीड्स कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सरदार कुलविंदर सिंह जी और इस प्रदेश के और इस क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित और प्रगतिशील किसान भाई। सबसे पहले तो हैं सरदार लखबीर सिंह जी और इधर हैं सरदार गुरमेल सिंह जी। लखबीर सिंह जी से आज हम जानेंगे सिग्नेट राजा सुपर 45, जो कि एक धान का बीज है, रिसर्च वैरायटी है सिग्नेट की, इन्होंने पिछले साल 5 एकड़ में लगाई थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी पैदावार कितनी निकली और इनको उसमें क्या क्या विशेषताएं नज़र आई। तो सरदार लखबीर सिंह जी, आपका स्वागत है सिग्नेट कंपनी के शो में। तो किसान भाइयों को बताइए, आपने सिग्नेट कंपनी का राजा सुपर 45 कितने एकड़ में लगाया था? 5 किला में। 5 किला में बीज आपने कहाँ से लिया था? चीमा किसान सेवा सेंटर। चीमा किसान सेवा सेंटर पायल से। पायल से। तो इस बीज में आपको क्या विशेषता नजर आई दूसरे बीजों के वनस्पत? वो सारे ना बढ़िया बीज है। बढ़िया बीज है। टाइम कट लेंदा। कट टाइम लेता है। टाइम दी नहीं। बहंदी नहीं। पानी स्प्रे दी लोड नहीं पड़नी। अच्छा, नहीं कम खर्चे में। हाँ, कम खर्चे। कितनी पैदावार इसकी आई थी आपकी पिछले साल? आई 34-35 आ गई है। 34-35 क्विंटल किले दी। किले दी। ठीक है। तो क्या आपके आपके पिंड के पिंड में और किसान भी इसको देख हाँ, पूछते रहने बहुत कोई कड़ा भी है। कड़ा भी है। राजा 45। राजा 45। तो क्या जैसे और बीजों में तेले का टैग आता है? हाँ, इधर नहीं आता। इधर नहीं आता। हाँ, ये कम माड़ा मोटा ही। माड़ा मोटा है। अच्छा, जो और जो बीमारी आती है, पीली कुंगी है, बहुत कम। बहुत कम है। ठीक है। क्या इसमें कोई गिरने की समस्या है? नहीं, गिरती नहीं है। गिरती नहीं है। तो आपने किस खेत में लगाई थी? आपके अच्छे खेत हैं? हाँ, नहीं ठीक है, ज्यादा तकड़े भी नहीं, दरमियाने ही है। दरमियाने हैं। तो यानी कि दरमियाने खेतों में और जल्दी पक गई। जल्दी। और 34 क्विंटल की आपने जैसा बता रहे हैं पैदावार है, तो की बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है। तो गुरमेल सिंह जी, आपने भी सिग्नेट का धान देखा है किसी खेत में लगा हुआ? तो कैसी वैरायटी लगी आपको? बढ़िया लगी। ठीक। तो कुलविंदर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ सिग्नेट सीड के शो में। किसान भाई को बताइए, सिग्नेट का राजा सुपर 45 आप कितने वर्षों से लगवा रहे हैं किसानों को? मैं 6-7 वर्षों से लगवा रहा हूँ। 6-7 वर्षों से। हाँ। तो आपके क्षेत्र के जो पायल है, इसके आसपास के कितने गांव में आप इसको लगवा रहे हैं? हो गए कम से कम 10-15 गांव तो यहीं होंगे, बाकी पूरे पंजाब से आते हैं लोग। पंजाब से आते हैं? पंजाब से, हरियाणा से भी आते हैं। अच्छा अच्छा। यूपी से भी आते हैं। ठीक है। तो इसकी पैदावार कितनी मिल रही है आपके एरिया में? ये 32-38 क्विंटल तक आ रही है। 32 से लेकर 38 क्विंटल। इसमें कहीं कोई डिगने की समस्या या कोई बीमारी ऐसा कुछ किसान भाई कहते हैं आपको? इसमें बीमारी कम है, दूसरी वैरायटियों से काफ़ी कम है। काफ़ी कम है। क्या गिरने की कोई समस्या है? नहीं, गिरने की तो बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं। तो क्या किसान भाई इसको हर खेत में लगा सकते हैं? जैसे हल्का है, भारी खेत कोई भी हो उसमें लग जाएगा, लेकिन जो खेत भारी होगा उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी। हाँ हाँ। अच्छा, तो जैसे मतलब कि आप दवाइयाँ भी किसानों को लगवा धान में डलवाते हैं, तो और वैरायटियों के बनस्पत इसमें दवाइयाँ कम डलती हैं? वैसे तो जी स्प्रे पहले ही घट्ट होती है, बाकी नालों का टाइम घट है, तो वैसे वो फंगस वगैरह बहुत घट होती है। तो ये तो रहा राजा सुपर 45। हाँ जी। और इसके अलावा एक वैरायटी आप और बता रहे थे अभी, दबंग 55। दबंग 55। हाँ। वो कम दिन की वैरायटी है, 120 दिन में पनीरी समेत पक्के तैयार हो जाती है दबंग 55। वो उसका रिजल्ट कैसा रहा आपके यहाँ? बढ़िया रहा, वो टाइम भी तो घट लेंदी है, तो डिगदी वो भी नहीं हैगी। बाकी ये भी है अभी, मान लो भी पिछली बार तो 30-32 क्विंटल झाड़ रहा, हो सकता है इस बार ज़्यादा रह जाए, क्योंकि पिछली बार वैसे ही चार काट थी। हाँ, पिछली बार बारिशों करके थोड़ा सा यील्ड कम थी। हाँ, हाँ। लेकिन दबंग 55 का यील्ड जैसा बता रहे हो कि भाई 32-33 क्विंटल निकला। हाँ। कई आईडियो में समराला में इधर 34 क्विंटल तक भी दबंग 55 का पैदावार रहा। भाई जी ने आलू लाने जी बढ़िया वैरायटी है दबंग 55 जी। किसान भाइयों, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग राजा सुपर 45 लगाएँ, ये एक अच्छी वैरायटी है, धान की गिरती नहीं है। और जो किसान भाई आलू लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं, जिन्हें कम समय में पकने वाले धान की आवश्यकता है, वह सिग्नेट का दबंग 55 रिसर्च वैरायटी या नकुल 52-75 हाइब्रिड अपने खेतों में लगा सकते हैं। और बीज लेने के लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर चीमा किसान सेवा सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, जिनकी जो जिनका पता है वो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अलावा जो कंपनी के अधिकारी हैं उनके नंबर भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।